गुड इवनिंग टू यू ऑल. हेलो मनीषा, हेलो मनोज, हेलो शिवानी, नाइस टू सी यू ऑल हियर. आज हम लोग इवोल्यूशन का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, थर्ड लेक्चर ऑन इवोल्यूशन. हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, डिफरेंट थियरीज दैट वॉज सपोर्टिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें से कौन सी थियरीज को एक्सेप्ट किया गया था. फिर हमने कल लास्ट लेक्चर में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, राइट, मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक साथ मिलके दिया था. और उसमें ये बताया गया था कि केमिकल इवोल्यूशन की वजह से आपकी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुई थी, राइट. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट बायोपोएसिस, दैट वॉज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट नथिंग बट योर केमोजेनी, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन किस तरह से हुआ था. अब हमें पढ़ना है कि बायोजेनी क्या है एंड कॉग्नोजेनी क्या है. सो बोथ द थिंग्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस. But before I do so, I welcome you all to Neet Voyage channel, a channel on the platform of Uncademy. And as you all know, Neet Voyage channel आपके लिए एक नया program शुरू की कर चुकी है, right? जिसमें इसको हम बोलते हैं Get Set Go. तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम यहाँ पे रिवीजन सीरीज चल रहा है आपका, और चारों के चारों जो एजुकेटर्स हैं आपके इस पर्टिकुलर चैनल के, वो आपके 11, 12 दोनों पर्टिकुलर जो आपके क्लासेस है उसकी रिवीजन कर रहे हैं सारे चैप्टर्स का. जैसे 9 AM को आपकी जूलॉजी का शुरू हो जाता है. यस गाइस, हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल. हेलो आलोक, यस राइट राइट यस ओके. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू हियर. सो एज आई सेड, 9 AM को आपकी जूलॉजी होती है. जैसे आज हमने केमिकल इंटीग्रेशन वाला चैप्टर किया था, राइट. कल हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, है ना, यहाँ पे ही टुमारो. एंड देन 10 AM को यू हैव बॉटनी, 11 AM को फिजिक्स, एंड 12 PM को यू हैव केमिस्ट्री. ये आपकी रिविजन सीरीज कम्प्लीटली चलती है. अनकेडमी पे एक और नया आपका रिविजाथन, एक और नया सीरीज आ रहा है, जहाँ पे यू हैव 8 days. दो आई तो आप आज से ही स्टार्ट हो चुकी है, 1 September से शुरू हो चुकी है, 8 सितंबर तक आपका चलेगा. इट इज फॉर टारगेट 2020 कॉल्ड एज रिवीजाथॉन, जहां पे आपके फुल सिलेबस की रिवीजन कराई जाएगी बाय सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनकेडमी प्लेटफॉर्म, एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री. ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम स्वागता मुखर्जी, एंड आई हैव मोर देन 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड आई हैव टॉट इन मेजर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. आई हैव मोर, यू नो, आई हैव ऑल्सो वर्कड एज अ JRF. आई हैव डन रिसर्च इन IISc बैंगलोर, एंड व्हाइल आई वॉज वर्किंग इन योर मेजर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, आई हैव प्रोड्यूस्ड मेनी रिजल्ट्स एंड AIR रैंकिंग्स देयर. माई स्टूडेंट्स आर स्टिल परसुइंग देयर हायर डिग्रीज फ्रॉम सम रेनॉम्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक AFMC, ICER पुणे, एम्स एंड मेजर MBBS कॉलेजेस ऑफ इंडिया. एज यू ऑल नो कि आपकी स्पेशल क्लासेस भी चलती है, कहाँ पे, ये आपके अनकेडमी के ऐप में चलती है. तो अनकेडमी के ऐप में आप ये स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यहाँ पे देखने के लिए आ सकते हैं. एंड फॉर दैट यू हैव टू ट्यून इन एट अराउंड 4:30 PM एवरी डे फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एवरी डे होते हैं एक्सेप्ट ऑन वेंसडे. मेरी 4:30 को वहाँ स्पेशल क्लासेस चलती है. सो यू गाइज कैन कम देयर, यू कैन ऑब्वियसली यहाँ पे आप आ सकते हो. थर्सडे को आपका नेक्स्ट क्लास है. आज आपका 4:30 को एक क्लास था जहाँ पे मॉक टेस्ट लिया था मैंने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से. वैसे ही थर्सडे 3 September को भी मेरी क्लास है, एंड दैट इज अ मॉक टेस्ट एंड डाउट सेशन ऑन बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट पार्ट. ठीक है, इसमें आपकी डाउट सेशन भी है. हमने ऑलरेडी रिवीजन सीरीज में किया था बायोटेक्नोलॉजी 1, बट बहुत ही कम क्वेश्चन हो पाए थे. ऐप में आपके बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, और मैं डाउट सेशन भी रखने वाली हूँ उसका. तो आप बिल्कुल उसके लिए आ सकते हो ऐप में. और ऐप में आने के लिए क्या करना है आपको और क्यों आना है, उसके रीजंस मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले, जैसे आपके लाइव क्लासेस चलते हैं यूट्यूब पे, उसी तरह से आपके लाइव क्लासेस स्पेशल क्लासेस में भी होती है ऐप में. लेकिन उसका क्लासेस की खासियत यह है कि आप उसमें किसी भी एजुकेटर के साथ, अपने किसी भी मनपसंदीदा एजुकेटर के साथ ज़्यादा बेटर वे में इंटरेक्ट कर सकते हो. आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज या क्वेश्चन होता है, वो वहाँ पे तुरंत सॉल्व हो जाता है, राइट. और उसके अलावा आप ऑब्वियसली यू कैन कम फॉर मॉक टेस्ट, यू कैन कम फॉर लाइव पोल. जैसे कि आज हमने मॉक टेस्ट लिया था, तो मॉक टेस्ट में वी यूजुअली पुट अ लाइव पोल, जिसमें आपके 4 options होते हैं, नीट पैटर्न का होता है. आपको सही ऑप्शन उसमें से चूज करना पड़ता है, और जो लीडर बोर्ड पे आपका नाम आएगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, गलत किया है, वो आपको पता चल जाएगा लीडर बोर्ड देख के, राइट. ओके, सो दैट्स अ बेस्ट फीचर देयर. ओके, उसके अलावा आपकी जो ये लीडर बोर्ड पे दो, यू नो, इट डिपेंड्स अपॉन 2 things. नंबर 1 इज नथिंग बट आपने कितना फास्ट आंसर दिया है, उसके भी मार्क्स होते हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो. दूसरा, आपने सही आंसर दिया है, यानी, राइट.
ओके इसके अलावा आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, तो आप सबको पता है कि हफ्ते में 2 दिन मैं यूजली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन लेती हूँ। एक आपका संडे को अभी आने वाला है नेक्स्ट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है, तो आप बिल्कुल आइए। और एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपका थर्सडे को है, मैंने अभी बताया था थर्सडे को मेरी क्लास है, राइट, तो उसमें आप आ सकते हो, जितने भी आपके डाउट्स है उस चैप्टर से आप बिल्कुल सॉल्व आप मुझसे बोल सकते हो, राइट। ओके नाउ ये हमारे कुछ बेस्ट एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए, मेरे स्पेशल क्लास में आने के लिए, प्लस मेरे प्लस कोर्सेज पे भी आने वाली है क्लास सितंबर से, राइट, तो आप जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने डिवाइस में, और उसके बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलेगा जैसे कि प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो मेरे प्लस में भी कोर्सेज आने वाले हैं अभी, तो आप बिल्कुल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए उसके लिए। स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो आप ऑलरेडी मेरी स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर चुके हो, वहाँ पे आप एक बार आइए फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देखिए किस तरह से पढ़ाई होती है, उस हिसाब से फिर आप प्लस में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो कि बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है एंड अफोर्डेबल है। तो सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन नीट यूजी एंड देन यू गेट द सब्सक्रिप्शन। वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन आपके पास कुछ ऑप्शंस आता है, जैसे यू कैन टेक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। 1 ईयर आप तभी ले 12 मंथ्स का जब आप 2021 में अपीयर कर रहे हो, 1 साल है आपके पास, तो यू हैव टू पे 2500 per month। तो इसमें टोटल कितना हो जाता है 27,000 ओनली, राइट। यू कैन ऑल्सो टेक सब्सक्रिप्शन फॉर 2 ईयर्स, दैट वुड बी ऑन 2022 में अगर आप अपीयर कर रहे हो नीट के लिए, तो आप टू ईयर्स का ले सकते हो 24 मंथ्स, जिसमें आपको सिर्फ 1500 per month देना है। टोटल कितना हो जाता है 2 सालों में आपको सिर्फ 32,400 रुपये देना है, 32,400, राइट। आप इसमें से कोई भी प्लान ले लीजिए, आपको बिल्कुल 10% ऑफ मिल जाएगा, आपका ये डिस्काउंट अमाउंट है टोटल अमाउंट में से, एंड दैट वुड बी ओनली पॉसिबल अगर आपने इस कोड को अप्लाई किया। इस कोड को अप्लाई करने के बाद ही आपको ये 10% अवेल डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो। व्हाट इज द कोड? माई नेम, दैट इज SWAGATA स्वागता, प्लीज अप्लाई दिस कोड टू अवेल दिस 10% डिस्काउंट ऑन द टोटल अमाउंट, राइट। ओके नीट आपके टेलीग्राम ऐप में भी हमारा ग्रुप है, सो यू हैव टू कम टू नीट वॉया चैनल, दिस इज आवर ग्रुप, सो यू कैन जॉइन देयर। आपको वहाँ नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी हर एक क्लासेस की, हर एक एजुकेटर की, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इवोल्यूशन पार्ट 3। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोजेनी एंड कॉग्नोजेनी, राइट। सो सबसे पहले आई टॉक अबाउट योर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सो यू ऑल नो कि इवोल्यूशन आपकी ऑब्वियसली कुछ स्पॉन्टेनियस केमिकल इवोल्यूशन की वजह से हुई है, राइट। अब जो भी बायोलॉजिकल आपके जो सेल्स आ गए हैं, कैसे सेल्स आए, मैं आपको आज हैंड रिटन नोट्स भी देने वाली हूँ, प्लस मेरे पास कुछ और भी रिटन नोट्स भी है ऑलरेडी रिटन, तो वो भी मैं आपको शो करूँगी, डायग्रामेटिक वे में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये टॉपिक, क्योंकि अब जाके आपकी एक्चुअल इवोल्यूशन की पढ़ाई शुरू हुई है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट टाइम मैंने यूरे मिलर्स पढ़ाया था, राइट, वो आपके केमोजेनी में था, उससे भी पूछा जाता है, राइट। तो हमने बायोलॉजी में क्या बायोजेनी का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली ऊपर लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट द इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी लाइफ, राइट, इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, राइट। सो यू कैन राइट इट हियर, इट इज नथिंग बट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और यू नो यू जस्ट कैन राइट नथिंग बट इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू कैन ऑल्सो राइट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये आया कैसे था। आई टोल्ड यू कि केमिकल इवोल्यूशन जो आपका होता है, राइट, वी नो दैट देर इज केमिकल इवोल्यूशन, और केमिकल इवोल्यूशन की वजह से आपकी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुई है या इसकी पॉसिबिलिटी है, और ये केमिकल इवोल्यूशन अभी इस रिसेंट अर्थ में पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, राइट। हमने लास्ट टाइम रिसेंट एटमोसफेयर एंड प्रिमिटिव एटमोसफेयर के बारे में भी पढ़ा था, तब मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि प्रिमिटिव अर्थ में केमिकल इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अभी क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं है। सो ये कब पॉसिबल था? आपके प्रिमिटिव अर्थ में, है ना, प्रिमिटिव अर्थ में ये आपकी पॉसिबिलिटी थी इसकी, अभी ये नहीं हो सकता है। क्यों? एक तो सबसे पहली बात, टेम्परेचर उतना हाई नहीं है, उतने ज़्यादा एनर्जी सोर्सेस नहीं है हमारे पास अभी, एनर्जी सोर्सेस उस टाइम पे हमेशा वॉल्केनिक इरप्शन होता था, यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ सर्फेस को रीच करता था क्योंकि ओजोन लेयर नहीं थी, फिर कंटिन्यूस लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म होता था, ये सारी चीज़ें अब नहीं होती है। प्लस हमारा जो अब का एनवायरमेंट है, दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ एनवायरमेंट, राइट, यस शिवानी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ओके, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ एनवायरमेंट। तो ये आपकी प्रिमिटिव अर्थ में क्या हो रही थी, एक केमोजेनी की वजह से ओरिजिन ऑफ लाइफ चल रहा था। अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ऑन मॉडर्न अर्थ और रीसेंट अर्थ, मॉडर्न एटमोसफेयर में आपका अभी क्या पॉसिबल है, जो लाइफ आ चुकी है
जो लाइफ पहले से आ चुकी है अभी उसकी इवोल्यूशन हो रही है. सो इट इज नथिंग बट इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ टेकिंग ऑन, है ना, गोइंग ऑन. इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ, इनकी बस इवोल्यूशन चल रही है, ओरिजिन नहीं हो रहा है किसी भी नए लाइफ का, ठीक है. एग्जिस्टिंग ऑफ, यू नो, इवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है. यही आपकी पॉसिबिलिटी है. तो एक बार आपके यहाँ पे हम लोग केमिकल इवोल्यूशन से किस तरह से, ये बायोलॉजिकल यहाँ तो मैंने लिख दिया, बट ये हुआ कैसे ये एक बार देख लेते हैं एक शॉर्ट टैब्यूलर फॉर्म में. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखूंगी आपके कुछ एटम्स. तो ये जो एटम्स थे आपके प्रिमिटिव अर्थ में, किस तरह के एटम्स थे, यू हैड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे एटम्स थे. क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर था तो ये एटम्स फ्री स्टेट में नहीं रह सकते थे, राइट. सो देयर वाज अ रिएक्शन, दे रिएक्टेड ड्यू टू हाई टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर था, ऑलमोस्ट अराउंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड थे, राइट. सो हाई टेम्परेचर था आपके यहाँ पे, राइट. हाँ जी, क्या हो गया, यस, ओके. Let's see here. So this is due to high temperature. They reacted and they gave us what? क्या मिला हमें उनसे atoms? ये जो सारे atoms थे reaction करने के बाद, they give us nothing but your simple inorganic molecules. तो आपको कुछ simple inorganic molecules मिले हैं. कैसे inorganic molecules मिले हैं? Such as आपकी C ने H के साथ react किया तो you got what? CH4. आपके C ने O के साथ रिएक्ट किया, यू गॉट CO, यू गॉट CO2, राइट. आपके H ने O के साथ रिएक्ट किया, यू गॉट CH2O. आपके H ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो यू गॉट NH3, यू गॉट HCN, है ना, यू गॉट H3PO4, है ना, H3PO4 मिला आपको, यू गॉट H2 एटसेट्रा. ये सारी की सारी चीज़ें मिली आपको, NO2 भी आपको मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड. तो ये सारी की सारी आपकी क्या थी, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन के वजह से मिली थी. और ये रिएक्शन क्यों हुआ था, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर था उस टाइम पे अर्थ में, प्रिमिटिव अर्थ में, राइट. नाउ योर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये जो थे, ये फिर से रिएक्ट करेंगे, फिर से वही हाई टेम्परेचर की वजह से दे अगेन रिएक्टेड, ओके. सो ये दे रिएक्टेड ड्यू टू हाई टेम्परेचर वंस अगेन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको क्या मिला, यू गॉट नथिंग बट सर्टन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आपको कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिल गए. कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले आपको, लेट्स सी दैट. यू गॉट सिंपल शुगर्स लाइक योर मोनोसैक्राइड मिला. मोनोसैक्राइड में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O4, ये सारे के सारे हैं ना आपके पास, राइट. सो आपको मोनोसैक्राइड्स मिला, कुछ आपको ऑलिगोसैक्राइड्स मिला, है ना, ऑलिगोसैक्राइड्स मिले आपको कुछ, ठीक है, ओके. ऑलिगोसैक्राइड्स के बाद यू गॉट सर्टेन अमाइनो एसिड्स, कुछ अमाइनो एसिड्स भी आपको मिले, ये सारे रिएक्शन की वजह से मिली है. यू गॉट ग्लिसरॉल, है ना, ग्लिसरॉल मिला आपको. ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है, यू हैव CH2OH, CH2OH, राइट. तो इसमें से कोई भी एटम यहाँ मिसिंग है क्या, नहीं ना, सारी चीज़ें हैं. तो आपको ग्लिसरॉल भी मिल गया था, राइट. ग्लिसरॉल के बाद यू गॉट फैटी एसिड्स, है ना, फैटी एसिड्स मिला आपको. कुछ आपको नाइट्रोजिनस बेसिस मिले, जैसे प्यूरीन एंड पिरिमिडिन आपके नाइट्रोजिनस बेसिस है, राइट. तो इसमें क्या क्या होता है, CHO एंड NE तो होता है, तो यू गॉट योर नाइट्रोजिनस बेसिस, है ना, आपको दैट इज प्यूरीन एंड पिरिमिडिन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें मिल गई. अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इनके साथ क्या हुआ, ये सारी की सारी फिर से रिएक्ट की थी. किस तरह से रिएक्शन हुआ था, यहाँ थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन. तो यहाँ पे आपका क्या हुआ था, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गिव मी सम टाइम, एक मिनट, ओके. तो यहाँ पे हुआ था पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन. किसकी पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन हुई है, इन ये सारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की. तो ये आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे, राइट. तो मोनोसैक्राइड अगर पॉलीमराइज करेगी तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीसैक्राइड मिलेगा. अमाइनो एसिड पॉलीमराइज करेगी तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट नथिंग बट योर प्रोटीन्स, राइट. तो पॉलीमराइजेशन के साथ साथ आपका कंडेंसेशन भी तो होता है. जैसे कि अगर आपकी दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट कर रही है, है ना, रिएक्ट कर रही है, पॉलीमराइज कर रही है, तो कंडेंसेशन में आपको एक H2O मिलता है ना, राइट. तो ये सारी चीजें हुई तो आपको मिला क्या, यू गॉट नथिंग बट योर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिल गए यहाँ पे, राइट? ओके, हेलो प्राची, हेलो शिवानी. अच्छे, चलो कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे आपको कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिली. किस तरह की कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिली है? यू गॉट नथिंग बट पॉलीसेक्राइड्स, है ना? पॉलीसेक्राइड्स मिला. पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसेक्राइड विल गिव यू दैट. पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड विल गिव यू प्रोटीन्स, है ना? फिर आपकी जब यहाँ पे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का कंडेंसेशन हुआ, यहाँ पॉलीमराइजेशन नहीं होता, यहाँ कंडेंसेशन हुआ, तो आपको ईस्टर बॉन्ड वगैरह आपको पता है ना बनता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड चेन के बीच में. सो यू गॉट व्हाट? यू गॉट लिपिड्स, आपको लिपिड्स मिल गए. उसके अलावा आपको कुछ एंजाइम्स मिले. एंजाइम्स भी तो प्रोटीन ही है ना, तो अमाइनो एसिड से ही बनता है. एंजाइम्स मिल गए आपको. फिर यू गॉट नथिंग बट योर न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड तो था, ये रहा फॉस्फोरिक एसिड है. आपके पास मोनोसैक्राइड है, पेंटोज एंड राइबोज, सपोज आपके पास ये पेंटोजेस है, प्लस आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस है, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड्स मिलेंगे. और फिर फॉस्फेट ग्रुप जैसे ऐड हो गए, आपको क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स. ये सब कुछ हमने ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है, राइट? ओके, तो आपको न्यूक्लियोटाइड वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी. प्लस आपको कुछ नेकेड डीएनए एंड आरएनए भी मिलेंगी. नेकेड डीएनए एंड आरएनए का मतलब क्या है? ये सारी की सारी न्यूक्लिक एसिड है ना. आपकी न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीमराइज करेगी तो आपको न्यूक्लिक एसिड मिलती है. सो यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन न्यूक्लिक एसिड्स हियर दैट वुड बी नेकेड, क्योंकि ये एग्रीगेट नहीं होती है, अलग से बनती है. और बाय द वे, ये नेकेड जीन्स जो आपकी है सबसे एंड में बनेगी. अब क्या हुआ? अब फिर से कुछ आपका यहाँ पे प्रोसेस शुरू हुआ है. किस तरह का प्रोसेस हुआ? ये जो आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले थे ना, ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स ये लोग अभी क्या करेंगे? दे आर गोइंग टू एग्रीगेट, ये एक साथ क्लंपिंग कर जाएंगे. तो नेक्स्ट मैं समझा देती हूँ. तो यहाँ पे क्या होगा? अभी दे इज गोइंग टू नथिंग बट आपकी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थी दे आर गोइंग टू एग्रीगेट नाउ. ओके, ये आपकी क्या होगी? यहाँ पे एग्रीगेशन होगा. तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, देर इज नथिंग बट गोइंग टू बी एग्रीगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो ये अगर एग्रीगेट हो गए, जैसे आपकी प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये सारे के सारे एक साथ आ गए एक जगह पे, एंजाइम्स हो गए, एग्रीगेट हो गया, और उसको एक वाटर के फिल्म ने या किसी मेम्ब्रेन ने एक साथ उसको कवर कर लिया, सराउंड कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा? यू आर गोइंग टू गेट नथिंग बट प्रोटोबायोन्स. आपको मिलेगा प्रोटोबायोन्स. ठीक है, प्रोटोबायोन्स, या फिर हम उसको और भी एक नाम से जानते हैं, दैट इज योर प्रिमिटिव सेल्स. किस तरह के प्रिमिटिव सेल्स मिलेंगे आपको? कोएजर्वेट्स, है ना, कोएजर्वेट्स और माइक्रोस्फियर्स. ठीक है, इसका दो नाम है, इसको दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था. कैसे किया था वो मैं बिल्कुल बता दूंगी. अब ये कोएजर्वेट्स और आपकी या फिर माइक्रोस्फियर जो आपके प्रोटोबायोन्ट्स है, इसमें क्या होगा? इसमें फिर से कुछ चेंजेस आएंगी. कैसी चेंजेस आएंगी? यहाँ पे हेलो अभिषेक, द चेंजेस आर नथिंग बट गोइंग टू बी अगेन एग्रीवेशन होगा. कुछ और आपके ऑर्गेनिक मॉलिक कंपाउंड आ जाएंगे, एग्रीवेशन होगा. ये सारी चीजें डायग्रामेटिक वे में मैं समझा दूंगी आपको. एग्रीवेशन होगा, कुछ एक्यूमुलेशन होगा, देयर गोइंग टू बी एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दिस थिंग, देयर गोइंग टू बी इनवेजिनेशन, देयर गोइंग टू बी एंडोसाइटोसिस. ये सारी चीजें जो मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, इसी के बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. तो ये आपका जस्ट इंट्रोडक्शन को मैं एक सिंगल टैब्यूलर फॉर्म में या फ्लो चार्ट फॉर्म में दिखा रही हूँ, ताकि अगर आपको कभी भी डायरेक्ट जल्दी से पढ़ना, तो इस फ्लो चार्ट को देख के आपको सारी चीजें याद आ जाए. तो इनवेजिनेशन एंड देयर इज गोइंग टू बी नथिंग बट एंडोसाइटोसिस. तो इन सब की वजह से क्या हो गई? इन सब की वजह से यू आर गोइंग टू गेट नथिंग बट अ ईओबायोंट. नाउ व्हाट इज एन ईओबायोंट? ट्रू सेल्स. ठीक है, नॉट प्रिमिटिव सेल्स, दे आर ट्रू सेल्स. जो आपके प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स है, दीज आर योर नथिंग बट व्हाट? ईओबायोंट. सो यू गॉट व्हाट? यू गॉट योर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है, ये दोनों चीजें आपको मिल गई. तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, यहाँ पूरी केमिकल प्रोसेस यहाँ तक चली है. अब जाके आपको बायोजन, यहाँ पे भी आपकी केमिकल प्रोसेस चली है. फाइनली आपको इस एरिया में क्या मिला है? व्हाट हैव यू गॉट हियर? ये जो आपको मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, यू गॉट नथिंग बट बाय लाइफ. यहाँ पे आपको ट्रू सेल मिला है, दैट मीन्स दिस इज शोइंग व्हाट? यहाँ से आपकी बायोजनी शुरू होगी, यहाँ से आपकी कॉग्नोजेनी भी शुरू होगी. क्या है बायोजेनी वो मैं पढ़ा रही हूँ, कॉग्नोजेनी भी मैं आज ही पढ़ा दूंगी आपको, राइट? सो लेट्स सी हियर आपकी किस तरह से ये सारी चीजें हो रही है.
राइट right. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि ये प्रोटोबायोंट्स क्या है और ये दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, क्या ये एक है या अलग है. तो सबसे पहले द अर्लीस्ट सेल या जो हम प्रिमिटिव सेल जिसको हम बोलते हैं, व्हाट आर दीज प्रिमिटिव सेल्स, दे आर कॉल्ड एज नथिंग बट प्रोटोबायोंट्स. नाउ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वर कॉन्सेंट्रेटेड एंड आइसोलेटेड इनटू प्रोटोबायोंट्स. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना कि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे आपके, ये सारे के सारे पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे एग्रीगेट हो गए एक साथ और उन्होंने हमें क्या दिया, प्रोटोबायोंट्स. नाउ अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन अ मिक्सचर ऑफ कार्ब, ये आप यूजुअली हम कैसे बना सकते हैं, सपोज आपने लिपिड लिया, आपने कुछ प्रोटीन लिया, वाटर लिया, फिर इसको शेक किया आपने टेस्ट ट्यूब में, तो यू विल ऑल्सो गेट माइसिल एंड ऑल राइट. यू नो माइसिल वगैरह कैसे बनता है आपकी लिपिड और वाटर को अगर आपने विगरसली शेक किया तो आपको माइसिल बनती, तो इसी तरह से वो भी बनी थी आपकी. और ये शेकिंग वगैरह कहाँ चल रही थी उस टाइम पे, तो इंसान नहीं थे ना ही, टेस्ट ट्यूब था, ये सारा ओशन में चल रहा था. ओशन के अंदर ये कंटिन्यूअसली मिक्सचर की वजह से सारी की सारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एक साथ आ गई एंड यू गॉट दिस राइट. यस यस अंकिता, रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिनिश्ड लॉन्ग बैक. नाउ लेट्स सी हियर, तो ये मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड विल स्पॉन्टेनियसली फॉर्म अ माइक्रोस्फीयर और अ कोएसर्वेट बाय सेल्फ असेंबली. तो ये माइक्रोस्फीयर ये क्या है, किस तरह से हमने अलग बोला है, तो किसी भी प्रोटोबायोंट का कुछ आइडियल फीचर्स होता है. अ प्रोटोबायोंट इट्स पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम हैबिटेट, ठीक है, जिस उसकी आइसोलेशन जो आज के सेल की हैबिटेट है वो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है. इट शो सिंपल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये ट्रू सेल नहीं है तो ये ग्लाइकोलाइसिस ये वो कुछ नहीं शो करेगी, बहुत ही सिंपल तरह के मेटाबॉलिज्म वो शो करेगी. सो दे कैन शो यू दे कैन रेप्लीकेट, तो रेप्लीकेशन के लिए जितनी मेटाबॉलिज्म जरूरत है उतनी करेगी, बाकी कुछ नहीं. सो दे हैव द एबिलिटी टू मेटा यू नो रेप्लीकेट right, and the replication process should be subject to error by mutation to generate diversity. अगर mutation नहीं हुआ तो diversity नहीं आएगी, variation नहीं आएगी. आज जो इतने अलग अलग species हमको देखने को मिलते हैं, that is only possible due to nothing but mutation, तभी तो इतनी diversity आई है. So these are some of the ideal features to be a protobiont, right? अब दो तरह के protobionts बताए गए थे, one was coacervate and other one was nothing but your microsphere. So as you can see here, कि सपोज आपकी प्रोटीन्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ एंजाइम्स, कुछ लिपिड्स, ये सारे के सारे एक साथ आके यहाँ पे एक जुड़ गए, एग्रीवेट होकर इसको एक वाटर फिल्म ने, एक वाटर ड्रॉपलेट ने इस तरह से इसको कवर कर लिया. सो ये बन गया आपका कोएसर्वेट, राइट. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, यू कैन सी हियर इस पर्टिकुलर राइट साइड वाले डायग्राम में क्या एक्सप्लेन किया गया है, पूरे बायोपोइसिस से लेके आपकी यू नो दिस इज बायोपोइसिस दैट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से लेके आपकी पूरी की पूरी बायोजेनी तक बताई गई है, किस तरह से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, बीच में आपकी केमिकल इवोल्यूशन चल रही है. तो सबसे पहले आपकी जो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका प्रूफ कैसे मिला था, सबसे पहले सिडनी फॉक्स ने क्या बोला था कि सबसे पहले आया था, या उन्होंने बोला था कि उन्होंने इस प्रोटोबायोंट का नाम दिया था माइक्रोस्फीयर. सो ही कॉल्ड इट एज अ माइक्रोस्फीयर. उसके मतलब से क्या था माइक्रोस्फीयर, ही सेड दैट व्हेन अ मिक्सचर, उसने क्या था, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ 80 टू 20 अमाइनो एसिड इज हीटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट. क्यों आपने हीट किया, क्योंकि उस टाइम पे ओशन का टेम्परेचर भी हाई था, इट वॉज अ बॉइलिंग ओशन, हॉट सूप, इसलिए तो आपने हेल्डेन एंड ओपरिन ने बोला था उसको. तो वहां पे ये अमाइनो एसिड को बहुत देर तक बॉइल किया गया, फिर उसमें जब आपने कूल किया, व्हाट वी सॉ दैट मेनी अमाइनो एसिड पॉलीमराइज्ड एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉल्ड एज प्रोटीनॉइड्स. तो यही प्रोटीनॉइड्स विद वाटर फॉर्म कोलॉइडल एग्रीगेशन एंड दैट वॉज कॉल्ड एज माइक्रोस्फीयर, ठीक है, उसको ही हमने माइक्रोस्फीयर बोला. उसका ज्यादा डायमीटर नहीं होता है, 1 to 2 μm डायमीटर होता है, एंड इस कॉकॉइड बैक्टीरिया जो है ना, कॉकस बैक्टीरिया, उसके शेप एंड साइज की तरह ही होती है. तो आपकी सिडनी फॉक्स ने ये नाम, इस पर्टिकुलर नाम को कॉइन किया था. सिडनी फॉक्स सेड दैट द प्रोटोबायोंट्स वर एक्चुअली माइक्रोस्फीयर. बट आपके ओपेरिन ने क्या बोला था, उसने बोला कि ये कोएसर्वेट है, उसने अलग तरीके से नाम दिया, उसने क्या बोला कि हाँ ये प्रोटीन वगैरह सब कुछ तो है, उसको कवर किया गया एक वाटर लेयर ने, ठीक है, और वो लेयर जो मेम्ब्रेन है वो आपकी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन नहीं है. आज का जो हम सेल देखते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो गया, चाहे वो यूकैरियोट हो गया, कुछ भी आप देख लो, उस सेल के ऊपर आपको यूजुअली अगर यूकैरियोट देखो तो आपको एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन दिखेंगी. तो ऐसा कोई लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन आपके
प्रोटोबायोंट्स में नहीं दिखता था. ही सेड अगेन द सेम थिंग, मिक्सचर ऑफ अ लार्ज प्रोटीन एंड पॉलीसैक्राइड, इसने पॉलीसैक्राइड भी ऐड किया, शेकन, देन द कोएजरवेट्स आर फॉर्म. द कोर ऑफ द कोएजरवेट जो था, अंदर कोर ऑफ द कोएजरवेट वॉज मेनली फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन, पॉलीसैक्राइड एंड सम वॉटर, राइट? ओके, तो ये कोएजरवेट वॉज अकॉर्डिंग टू ओपरिन, ओपरिन ने इसका नाम दिया था कोएजरवेट. और उसने क्या बोला था कि यहाँ पे फिर से दिया हुआ है वही सेम चीज एक सिंगल फॉर्म में ताकि हमें समझ आए. सिडनी फॉक्स ने क्या बोला था कि ये माइक्रोस्फीयर और माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बट दिस इज नॉट लिपिड. व्हाट वाज दैट? प्रोटीन. हमारा जो मेम्ब्रेन है दैट इज नथिंग बट अ लिपिड, राइट? तो उसने बोला था वो लिपिड नहीं था, वो प्रोटीन था. हालांकि इसकी कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि आपको प्रोटोबायोंट्स की फॉसिल तो नहीं मिल सकती. आपको किसी, आपको ट्रू सेल का ही फॉसिल नहीं मिलता है तो आपको प्रिमिटिव सेल का फॉसिल कहाँ से मिलेगा, राइट? ओके, हेलो रुखिया, नाइस टू सी यू ऑल हियर. नाउ सो दे कैन फॉर्म बर्ड्स, वो बडिंग, यू कैन सी द बडिंग हियर, कैन यू सी द बर्ड आउटग्रोथ, यहाँ पे ये बडिंग शो कर सकते हैं. यहाँ आपको छोटे छोटे बर्ड दिख रहे होंगे. दे कैन स्प्लिट, रेप्लीकेट कर सकते हैं, स्प्लिट भी हो सकते हैं, एक माइक्रोस्फीयर से दो माइक्रोस्फीयर बन सकते हैं, मतलब एसेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, राइट? एंड टेक अप सर्टेन सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग. तो सपोज ये छोटा माइक्रोस्फीयर था, सराउंड में कुछ और भी मटेरियल था, इसको वो ले लेगा तो यह थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा. सो इट कैन टेक अप थिंग्स फ्रॉम द सराउंडिंग, इट कैन कीप इंक्रीजिंग इन इट्स साइज, राइट? नाउ सिडनी फॉक्स प्रोड्यूस प्रोटोसेल्स बाय हीटिंग सॉल्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला. और कोएजरवेट्स क्या है? ये कोएजरवेट्स वही प्रोटोबायोंट्स ही है, लेकिन इसका नाम किसने दिया था? ओपारिन ने. ओपारिन ने इसको एक्सप्लेन किया था दैट दे आर स्मॉल ऑर्गेनिक ड्रॉपलेट फॉर्म बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. सिर्फ आपकी अमाइनो एसिड्स नहीं, अलग तरह की चीजें, आपकी प्रोटीन्स भी है, पॉलीसैक्राइड्स भी है, बहुत कुछ है. दे कैन ग्रो एंड टेक अप सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग एज वेल, राइट? लेकिन उसने एक बोला था कि वो लिपिड बाइलर है. किसने? सिडनी फॉक्स ने. ओपेरिन ने बोला नहीं, वो लिपिड बाइलर नहीं, इट वॉज अ वॉटर फिल्म. उसने बोला कि नहीं, ये तो वॉटर फिल्म है, ठीक है, राइट? तो ये आपकी दो प्रोकैरियोट, आपकी जो प्रोटोबायोंट्स वगैरह आ गई. अब इस प्रोटोबायोंट से आपको यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल कैसे मिला? तो उसके लिए वी नीड टू स्टडी अबाउट एंडोसिम्बायोन थ्योरी, है ना? एंडोसिम्बायोन थ्योरी क्या है, किस तरह से, सो व्हाट इज द एविडेंस दैट वी नो कि आपकी जो ये बायोजेनी है ये एक्चुअली उससे ही आई है, आपकी प्रोटोबायोंट से आई है. सो लेट्स सी अनदर डायग्राम हियर. तो सबसे पहले आई एम गोना ड्रॉ हियर योर कोएजरवेट. सबसे पहले मैं कोएजरवेट बना लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. तो सपोज दिस इज योर कोएजरवेट, या फिर आपकी प्रोटोबायोंट ही लिख देती हूँ मैं. दिस इज योर प्रोटोबायोंट, सपोज, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट. ओके, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं. सपोज दिस इज योर प्रोटोबायोंट, ठीक है? प्रोटोबायोंट के अंदर क्या क्या है? यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है. कुछ आपकी प्रोटीन्स है, कुछ आपके लिपिड्स है, कुछ आपके अमीनो एसिड्स है, एंजाइम्स है, है ना, पॉलीसैक्राइड्स है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं. सो दिस इज एन एग्रीगेशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट? ओके, तो सारी चीज़ें यहाँ बना लेते हैं एक बार, और फिर मैं लिख देती हूँ कि दिस इज नथिंग बट योर प्रोटोबायोंट. सो दिस इज योर प्रोटोबायोंट हियर. ओके, ये प्रोटोबायोंट क्या था? प्रोटोबायोंट वॉज नथिंग बट इट वॉज एन एग्रीगेशन ऑफ मेनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अब क्या हुआ, इसने क्या शो किया? इसने इट स्टार्टेड शोइंग योर इन्वेजिनेशन. इसने इन्वेजिनेशन किया. क्या होता है इन्वेजिनेशन? चलो वो देख लेते हैं. लेट्स सी व्हाट इज इन्वेजिनेशन. तो इसकी जो मेम्ब्रेन थी ये थोड़ी इन्वेजिनेशन करने लगी, अंदर की तरफ टकिंग इन होने लगा. टक इन नथिंग बट इज ना इन्वेजिनेशन हियर. सो यू कैन सी यहाँ पे इन्वेजिनेशन चल रहा है, ठीक है? इस तरह से इन्वेजिनेशन हुआ. ओके, इन्वेजिनेशन हो रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी राइट द इन्वेजिनेशन प्रॉपरली हियर. ये थोड़ा सा हॉच पॉच टाइप ऑफ हो गया है, लेट मी राइट इट हियर. सो दिस इज योर इन्वेजिनेशन. ओके ओके, इन्वेजिनेशन होने की वजह से उसने कुछ और सेलुलर ऑर्गेनल्स वगैरह बनाए. बाकी सारी चीज़ तो यहाँ पे थी ही, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे थी ही आपकी, जितनी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे. जस्ट अ सेकेंड, गिव मी सम टाइम टू फिनिश द डायग्राम हियर, ठीक है? ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है? ओके, अब इन्वेजिनेशन की वजह से क्या हुआ कि कुछ और भी नए आपके सेलुलर ऑर्गेनल्स वगैरह आए, प्लस आपकी
कुछ नेकेड जीन्स यहाँ पे थी, मैंने आपको बोला था ना नेकेड जीन्स बनी थी, व्हाट आर नेकेड जीन्स, जो आपके आरएनए एंड डीएनए बाहर की तरफ घूम रहे, तो दिस इज नथिंग बट अ नेकेड जीन। और फर्स्ट नेकेड जीन क्या आया था इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द फर्स्ट वाज नथिंग बट योर आरएनए, सो दिस इज योर नेकेड जीन। ठीक है, ये नेकेड जीन इसके साथ एंडोसिम्बायसिस करेगा। एंडोसिम्बायसिस मतलब क्या, एंडोसाइटोसिस मतलब क्या, वो अंदर चला जाएगा, राइट। सो लेट्स सी कैसे होगा वो चीजें, लेट्स सी इट हियर। तो नेक्स्ट आपका क्या चल रहा है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट एंडोसाइटोसिस हो रहा है यहाँ पे, एंडोसाइटोसिस हुआ और आपकी नेकेड जीन इसके अंदर चली गई। सो यू कैन सी नथिंग बट दिस पर्टिकुलर सेल है ना, ये आपकी सेल है ये वाली, और इसके अंदर पहले से तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह थे ही, ये सारे के सारे है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, राइट। जस्ट अ सेकेंड, अब नेकेड जीन भी अंदर आ गया है। ओके, सो दिस इज योर नेकेड जीन हियर, नेकेड जीन्स, राइट। ओके, ये आपके बाकी की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बताओ ये पर्टिकुलर सेल आपको किसकी याद दिला रही है, यहाँ पे आपकी एक कोई मेम्ब्रेन दिख रही है किसी भी ऑर्गेनेल में, और आपकी जो जीन्स है जेनेटिक मटेरियल उसको भी किसी एनवेलप में नहीं कवर किया हुआ है। सो वॉट टाइप ऑफ सेल इज दिस, जो सेल जिसकी कोई सेलुलर एनवेलप नहीं होती है, ना ही उसके ऑर्गेनेल किसी एनवेलप में कवर है, आप उसको क्या बोलते हो, प्रोकैरियोट बोलते हो, वी कॉल इट एज नथिंग बट अ प्रोकैरियोट, राइट। सो दिस इज अ प्रोकैरियोट हियर, राइट। अब प्रोकैरियोट से फिर क्या बना, ये प्रोकैरियोट इट गेव राइज टू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, अलग अलग तरह के सेल्स इसने दिए थे। फॉर एग्जाम्पल इट गेव राइज टू आर्किबैक्टीरिया, है ना, आर्किबैक्टीरिया इसने गेव राइज टू आर्किबैक्टीरिया है। उसके अलावा इट ऑल्सो गेव राइज टू नथिंग बट सर्टन साइनोबैक्टीरिया, ओके, कुछ साइनोबैक्टीरिया भी इसने दिया, इट गेव राइज टू मेनी साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा इट ऑल्सो गेव राइज टू नथिंग बट सर्टन ब्लू ग्रीन एल्गे, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे इसने दिया था, राइट। उसके अलावा इट ऑल्सो gave rise to nothing but many types of your monera family को जो belong करता है, modern monera family को, right, prokaryotic cell आपके सारे के सारे। अब क्या हुआ, ये जो archaebacteria था और ये जो बाकी आपको membrane दिख रही थी, इसमें suppose ये yellow वाला जो मैंने आपको यहाँ बनाया ना, suppose this yellow thing is nothing but your lipid, suppose these are nothing but your lipid, ये lipid क्या की अचानक से ये lipid जाके आपके ये cell था, this was the cell here, प्रोकैरियोटिक सेल हियर, ये लिपिड जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हो गई और उसने क्या बनाया, उसने बना दिया एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। तो जैसे ही आपको लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन दिख गई, आप क्या बोलोगे उसको, यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ टाइप ऑफ ट्रू सेल, है ना, ये एक आपका ईओबायोंट बन गया, प्रोटोबायोंट से इस तरह से आपकी ईओबायोंट बनी है, राइट। सो दीज आर नथिंग बट द लिपिड्स आर एसोसिएटेड विद द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्मिंग अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, सो यू गॉट दिस राइट हियर, सो दिस इज सपोज योर लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, लेट्स लाइट इट हियर, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखते हैं लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन बन गई और यही मेम्ब्रेन आपकी फिर से क्या शो करी, दे आर गोइंग टू शो नाउ नथिंग बट इन्वेजिनेशन, फिर से इन्वेजिनेशन होगी तो क्या होगा, ये आपके दूसरे जो भी अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको भी ये कवर कर लेगा एनवेलॉप के अंदर। जैसे ये नेकेड जीन थी, नेकेड जीन आपकी सबसे पहले आरएनए थी, है ना, उसके अंदर जो भी नेकेड जीन है, अब वो नेकेड जीन आपकी इसके अंदर प्रेजेंट है, एनवेलॉप के अंदर प्रेजेंट है। तो आप इसको किस तरह की सेल बोलोगे, जिस सेल के अंदर ये सारे कवरिंग होती है, यू नो आपके सेलुलर ऑर्गेनल्स को भी एनवेलॉप की हुई होती है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, यू आर गोइंग टू कॉल इट एज एन यूकैरियोट, राइट। तो सपोज आपको मिल गई यूकैरियोट, तो दिस इज अ सेल विच इज एन यूकैरियोटिक सेल, तो यू फाइनली गॉट अ प्रोटो यूबायोंट है, ईओबायोंट आपकी प्रोटोकैरियोट, यूकैरियोट दोनों ही आपकी ईओबायोंट है, ट्रू सेल, सो यू गॉट एन यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट मिल गई। अब बाकी की ऑर्गेनल्स देखते हैं, तो कुछ आपकी आर्किबैक्टीरिया, जैसे ये आपकी आर्किबैक्टीरिया, दिस वॉज सपोज नथिंग बट योर आर्किबैक्टीरिया, ये आर्किबैक्टीरिया इसके अंदर एंटर हो जाएगी, है ना, वही एंडोसाइटोसिस शो करेगी और ये अंदर जाके क्या ऑर्गेनल बना देगी, इट विल फॉर्म नथिंग बट योर माइटोकॉन्ड्रिया। तभी तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी एक अलग से जेनेटिक मटेरियल होती है ना, यू हैव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो आर्किबैक्टीरिया यहाँ पे एंडोसिम्बायोसिस करके क्या शो कर रही है, एंडोसाइटोसिस करके क्या शो कर रही है, ये अंदर जाके माइट सेल ऑर्गेनल बना रही है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज वाई योर माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, क्योंकि एक आपकी आर्किबैक्टीरिया ही एंटर हुई थी एंडोसाइटोसिस करके, तभी हमारे हम लोग फ्यूचर यूकैरियोट बन पाए हैं। तो कैन यू डू यू अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल, बी इट एन इंसेक्ट,
बी इट अ पॉरीफर और बी इट अ ह्यूमन बीइंग और अ मंकी, वी आर ऑल शेयरिंग कॉमन जीन्स, अ वेरी वेरी ओल्ड जीन जो आपकी आर की बैक्टीरिया में था, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वहीं से आई है, वहीं से तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया बन के आई है, ठीक है। तो जैसे ही सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया हो और बाकी के जो भी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट है, यू आर गोइंग टू कॉल इट एज व्हाट, यू आर गोइंग टू कॉल इट एज एन एनिमल सेल। आपने इसको क्या बोल दिया, एनिमल सेल। अब आपको प्लांट सेल भी चाहिए, तो वहां पे क्या हुआ, ये जो साइनोबैक्टीरिया था, ये आपकी साइनोबैक्टीरिया थी, ये साइनोबैक्टीरिया भी एंडोसाइटोसिस शो करेगी और अंदर जाके ये क्या बना देगी, ये अंदर जाके बनाएगी क्लोरोप्लास्ट। तो ये अंदर जाके क्या बना रही है, क्लोरोप्लास्ट बन जाएगी, कौन, साइनोबैक्टीरिया उसकी। और वी ऑल नो साइनोबैक्टीरिया केपेबल ऑफ शोइंग फोटोसिंथेसिस, राइट। तो आपकी क्लोरोप्लास्ट बना देगी, तो किस तरह की सेल बन गई है, ये प्लांट सेल बन गई है। तभी क्लोरोप्लास्ट की भी अपनी डीएनए होती है, यू ऑल नो दैट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है, राइट। सो दिस इज हाउ यू गॉट नथिंग बट योर यूकैरियोट। इस तरह से हमें यूकैरियोट मिला है, एंडोसिम्बायसिस, यही चीज यहाँ समझाया गया है। नाउ द यूकैरियोटिक सेल अरोज फ्रॉम अ लिविंग कम्युनिटी फॉर्म बाय प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। द इवोल्यूशन टुवर्ड्स यूकैरियोटिक सेल बिगन 1.5 टू 2 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, व्हाट इज नोन एज एंडोसिम्बायसिस एंड इंटरनल म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। कैसे बनी यूकैरियोटिक सेल, म्यूचुअल रिलेशनशिप कौन शो कर रहा है, आर्की बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, राइट। ओके, नाउ स्मॉल एरोबिक प्रोकैरियोट्स आर थॉट टू हैव एंटर्ड, एरोबिक प्रोकैरियोट्स आर थॉट टू हैव एंटर्ड एंड लिव्ड इनसाइड लार्जर एनारोबिक प्रोकैरियोट्स। लेटर एडिशनल स्मॉल फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स दैट इज साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो थॉट टू हैव एंटर्ड एंड लिव्ड इनसाइड। नाउ व्हाट आर दे, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, उसी से तो बनी है, क्लोरोप्लास्ट आपकी साइनोबैक्टीरिया से और माइटोकॉन्ड्रिया आपकी कहाँ से बनी है, आपकी बैक्टीरिया ने आके बनाई है, राइट। तो इसी थ्योरी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो आप या तो इस डायग्राम को रेफर कर सकते हो या फिर इस डायग्राम को रेफर कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी हियर ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कैसे चल रही है। एंशियंट प्रोकैरियोट, सबसे पहले ये आपका एंशियंट एनारोबिक प्रोकैरियोटिक था, जहाँ पे आपकी एरोबिक बैक्टीरिया आके एंटर हुई है। व्हाट वाज दिस एरोबिक बैक्टीरिया, दिस वाज योर आर्की बैक्टीरिया, है ना, इट वाज योर आर्की बैक्टीरिया। ओके, एक और बात, इसको मैं एरोबिक, इसको एनारोबिक ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्यों एनारोबिक, तो याद रखिए सबसे पहले जो आपकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ना, देवर एनारोबिक बैक्टीरिया, ये अभी हम कॉग्नोजेरी में पढ़ने वाले, क्योंकि उस टाइम पे आपकी रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट थी ना, फ्री ऑक्सीजन नहीं था, तो दे कैन नॉट यूज ऑक्सीजन, तो दैट्स वाई देवर मोस्टली एनारोबिक। तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया बन गई यहाँ पे, यू कैन सी दैट। फिर आपको कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे इज नथिंग बट योर साइनोबैक्टीरिया, है ना। तो ये साइनो बैक्टीरिया जो है वो एंटर किया कहाँ पे, वो जाके क्या बनाया, नथिंग बट योर क्लोरोप्लास्ट, राइट। ओके, नाउ परफेक्ट, कुनाल, दिस इज फॉर टारगेट 2021, दिस इज नॉट फॉर टारगेट 2020, राइट। यू ऑल नो, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि 7 PM को मैं टारगेट 2020 या 2021 होता है हमारा, नॉट टारगेट 2022, एंड ऑलरेडी देयर इज रिवीजन सीरीज इज गोइंग ऑन, सो यू कैन गो देयर, राइट। सो आपकी ये क्लोरोप्लास्ट सीरीज, क्लोरोप्लास्ट कैसे बनी है, साइनोबैक्टीरिया के एंडोसिम्बायसिस की वजह से, राइट। सो यू गॉट प्लांट लाइक protist here, you got certain animal, fungi and non-plant like protist over here, right? Blue-green algae is a plant-like protist, वो भी आपको इसी से मिली है। यहाँ पे भी वही सेम डायग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया। यू कैन सी इन्वेजिनेशन किस तरह से हो रहा है, राइट। यू कैन सी किस तरह से आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनी है, यू कैन सी माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आई, आपकी प्लास्टिड कैसे बनी, आपकी क्लोरोप्लास्ट कैसे बनी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपकी बायोजेनी फिनिश हुई थी, राइट। दिस इज हाउ यू गॉट ऑल द ऑर्गेनिज्म। ना सबसे पहले वी नीड टू टॉक अबाउट कि ये जो मैंने अभी आपको नेकेड जीन्स बताए थे, ये नेकेड जीन्स क्या थे, वेयर दे आरएनए और वेयर दे डीएनए। सो दे वर एक्चुअली आरएनए, सबसे पहले आरएनए आया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी तभी था, तभी तो आरएनए से डीएनए बन पाया था, राइट। ओके, सो लेट्स सी हियर, दिस इज नथिंग बट योर द जीन फर्स्ट हाइपोथेसिस जो हम पढ़ते हैं। सो देयर इज वन पॉसिबिलिटी दैट द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स वर सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड सच एज आरएनए और डीएनए, एंड दैट अदर एलिमेंट्स लाइक मेटाबॉलिक नेटवर्क्स वेर अ लेटर एड ऑन टू दिस बेसिक सिस्टम। इसको हम लोग जीन फर्स्ट हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो कौन सा फर्स्ट आया था, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं कि इट वॉज आरएनए एंड नॉट डीएनए was likely the first genetic material. So RNA was the first genetic material, just a second,
राइट, एंड दिस इज नोन एज द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये जो आपकी आरएनए थी, दे वर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सो यू गॉट सर्टेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस आरएनए ने क्या किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज शो करके यू गॉट नथिंग बट अ डीएनए स्ट्रैंड, फिर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बल के यू गॉट अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड विच इज मच मोर स्टेबल। बट आया क्या था, सबसे पहले यू गॉट एन आरएनए। तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, दे विल नॉट आस्क यू अबाउट ऑल दिस थिंग, दे कैन आस्क यू अबाउट जीन फर्स्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कौन सा जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले आया था, एंड दैट वाज नथिंग बट योर जीन, योर आरएनए। यस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। नाउ सो दिस इज नथिंग बट आपकी आरएनए। अब आरएनए की कुछ और भी फैक्टर्स थे कि क्यों आरएनए आई थी। एक तो आरएनए ना आपकी एंजाइम की तरह भी काम करती है, क्योंकि राइबोसाइम्स होते हैं, राइट, तो वो आपकी एंजाइम की तरह भी काम कर रही है, बहुत सारी रिएक्शन को कैटालिसिस करने में भी वो हेल्प कर रही थी, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपकी आरएनए सबसे पहले आई थी इस। ओके, अब जो हमने अभी देखा कि ये प्रोकैरियोट से ही ये आर्किबैक्टीरिया आया, फिर यूकैरियोट बना, इसीलिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज योर लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। तो हमारे, हम सब का बीइंग अ मैमल और अ बैक्टीरिया और एन आर्किबैक्टीरिया, कुछ भी ले लो, सबका एक कॉमन एंसेस्टर तो है। मैंने वही आपको समझा रही थी कि ऑल ऑफ अस आर शेयरिंग अ कॉमन टाइप ऑफ जीन विच इज कॉल्ड एज LUC, LUCA, दैट इज योर लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, राइट। ओके, सो दैट्स व्हाट इट्स सेड हियर, इट्स बीन सेइंग हियर दैट इट मीट योर मार्कर। हु इज आवर मार्कर, दैट इज नथिंग बट LUCA, ठीक है। वी आर ऑल शेयरिंग द सेम टाइप ऑफ जीन दैट हैज फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। सो दिस इज योर लूका जीन, जिसने आपकी आर्किबैक्टीरिया हो, चाहे ईस्ट हो या फ्रूट फ्लाई हो या ह्यूमन हो, सब में इसकी कोई ना कोई आपको मिलेगी। कैन यू सी द कॉमन, ये आपकी सपोज आर्किबैक्टीरिया की जीन है, उसमें ये वाला पार्ट जो है वो लूका से मैच करती है, लूका जीन से, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ईस्ट का ये जीन लूका से मैच कर रहा है, आपके ह्यूमन का ये जीन लूका से मैच कर रहा है, राइट। ओके, परफेक्ट। नाउ सो दिस इज अबाउट योर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब हमें पढ़ना है कॉग्नोजेनी। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तो हो गया, आपको मिल गया यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, जो भी आपको मिला है। अब इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या थी, व्हाट वाज देयर मोड ऑफ लाइफ। सो मोड, इवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज योर कॉग्नोजेनी। इवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ लाइफ इज नथिंग बट कॉल्ड एज कॉग्नोजेनी। यहाँ पे वो इसका डिफिनेशन और बेटर वे में लिखा हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ परसेप्शन एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन होगा ये, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन। ये आपकी कॉग्नोजेनी का पार्ट है, किस तरह से वो करते थे। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कि आपकी कॉग्नोजेनी में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहले क्या था, इन अ रीस इन द प्रिमिटिव एटमोसफेयर इट वॉज रिड्यूसिंग एटमोसफेयर, सो दे वर ऑल एनरोबिक, लेकिन ये खुद अपना खाना नहीं बनाती थी, देवर केमो हेटेरोट्रॉप्स, राइट, केमो, ये लोग ऑब्वियसली केमिकल्स एग्रीगेशन ज्यादा होता था, सो देवर केमो हेटेरोट्रॉप्स सबसे पहले यही आए थे, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स। अब क्या हुआ, धीरे धीरे विद द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेटेरोट्रॉप्स एज दे कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स इन द ओशन, क्या खाते थे वो लोग, केमिकल्स जो थे ओशन में, ये अमाइनो एसिड हो गया, पॉलीसेक्राइड हो गया, ये सबको वो ले रहे थे, राइट। सो जैसे ये खाने लगे, धीरे धीरे क्या हो गया, दे बिकम अ डिक्लाइनेशन इन द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, आपकी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम हो गई, पॉलीसेक्राइड कम हो गया एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने क्या किया, दे बिगैन टू सर्च अदर ऑल्टरनेटिव, वो कुछ और ऑल्टरनेटिव सर्च करने लगे। किस तरह के ऑल्टरनेटिव, दे स्टार्टेड शोइंग नथिंग बट योर पैरासाइटिज्म, किसी और एनिमल सेल के ऊपर वो डिपेंड होने लगे। दे स्टार्टेड शोइंग सैप्रोफाइटिज्म, ठीक है, सैप्रोफाइटिज्म, ओके, दे ऑल्सो स्टार्टेड शोइंग योर प्रिडेशन, ये सारी चीजें वो फिर से शो करने लगे। तो नंबर वन आपका ये था। नंबर टू क्या हुआ कि अब धीरे धीरे वो लोग खुद अपना खाना बनाना शुरू कर चुके थे, राइट। नंबर टू उनका क्या हुआ, दे स्टार्टेड यू नो मेकिंग देयर सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, बट अब भी एनरोबिक कंडीशन में ही कर रहे थे, क्योंकि रिड्यूसिंग एटमोसफेयर था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था। सो देन वी गॉट वॉट, एनरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स आपको मिल गए। फिर धीरे धीरे जैसे आपका एनवायरमेंट या एटमोसफेयर चेंज हुआ अर्थ को, अर्थ का, तब आपको क्या मिला, आपकी ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट है ना, अभी फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो हमें क्या मिल गया, यू गॉट नथिंग बट सर्टेन एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो आज आपको जो दिखते हैं मोस्टली दे आर योर एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो सबसे लास्ट में आए थे आपके फोटो ऑटोट्रॉप्स, सबसे पहले कौन थे, केमोहेटेरोट्रॉप्स,
इसको हेटरोट्रॉप्स बोल सकते हैं, लेकिन केमो हेटरोट्रॉप्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी मोस्टली केमिकल्स, जो भी आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थी, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थी, उसको वो एग्रीगेट कर रहे थे, उससे वो न्यूट्रिशन ले रहे थे अपना, राइट। सो दिस वॉज योर कॉग्नोजनी एंड दिस इज हाउ द मोड ऑफ लाइफ एक्चुअली अकर्ड। और बाई द वे ये जो आपकी यहाँ तक जो मैंने आपको भी पढ़ाया था इस पर्टिकुलर डायग्राम में, कहाँ गया वो, हाँ जी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ तक ये जो इतना तक जो एरिया है ये तो आपके ओपेरिन और आपकी सॉरी यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट में ही ये प्रूव हो गया था। वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने यही सेम चीज़ किया है ना। आई टोल्ड यू दैट दे टुक समथिंग नथिंग बट सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे मीथेन लिया था उन्होंने, H2 लिया था और उन्होंने अमोनिया लिया था एंड वाटर वेपर लिया था, राइट। और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दिए थे उन्होंने कुछ वोल्ट का, उन्होंने वाटर वेपर को 900 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको बॉईल किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों के बाद उनको क्या मिला था, उनको कुछ अमाइनो एसिड मिला था, कुछ मोनोसैक्राइड मिला था। तीन अमाइनो एसिड जो मिले थे हमने पढ़ा था, योर ग्लाइसिन एलानिन एस्पार्टिक एसिड। तो ये प्रूफ करता है कि हाँ बिल्कुल आपकी केमिकल की वजह से, केमिकल इवोल्यूशन की वजह से ही बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर बायोजेनी एंड कॉग्नोजेनी, ठीक है, ये आपकी बायोजेनी एंड कॉग्नोजेनी। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, राइट ओके। सो बिफोर आई एंड लेट मी टेल यू कि मेरी नेक्स्ट क्लासेस आपकी कब है और नेक्स्ट सेशन में हम कब पढ़ने वाले। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि नीट बॉया चैनल में मैं हर एक टारगेट पढ़ाती हूँ, टारगेट 2020, टारगेट 2021 एंड टारगेट 2022। इन सब का टाइम अलग है। 2020 आपका 3 PM हो रहा है, लेकिन क्योंकि अब हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं तो मैं ऑल्टरनेट करती हूँ और इन दोनों का टाइमिंग आपका 7 PM भी है। 13 सेप्टेम्बर के बाद ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि तब तो टारगेट 2020 खत्म हो चुका है, राइट। तब आपकी 2021 एंड 2022 होगी। 2021 में 3 PM में लिया करूंगी और ये आपकी 7 PM में, ये रेगुलर हो जाएगी तब, क्योंकि अभी रिवीजन सीरीज चल रहा है जो आपके 12 सितंबर तक ये रिवीजन सीरीज चलेगा आपका, जिसमें आपके 9 AM को मैं आऊंगी जूलॉजी के लिए रिवीजन के लिए। तो कल आपका रिवीजन किस में होने वाला है, आपकी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का रिवीजन होने वाला है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो यू कैन आस्क व्हाटएवर डाउट्स यू हैव ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद आपकी कोमल मैम बॉटनी जो 10 AM में पढ़ाएंगी, फिर आपकी फिजिक्स मैम भारती मैम जो है वो आपकी 11 AM को आएंगी रिवीजन के लिए। आस्था मैम केमिस्ट्री पढ़ाती है, वो आपकी 12 PM को रिवीजन लेने वाली है, राइट। इसके अलावा भी हमारे आपके कुछ रिवीजाथॉन भी यहाँ शुरू हो चुके हैं, आज ही शुरू हुए, इनफैक्ट 1 सितंबर से शुरू हुआ, 8 सितंबर तक वो चलेगा। नीट 2020 रिवीजाथॉन, जहाँ पे आपको 8 दिनों में 27 टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी वो आपको फुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी फुल नीट की रिवीजन कराने वाले हैं, राइट। और मेरी स्पेशल क्लासेस के बारे में बता देती हूँ, जो आपके अनकैडमी ऐप में ही होती है। अनकैडमी ऐप में ये पर्टिकुलर स्पेशल क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो हमारा मेरा हमेशा 4:30 PM को ही होता है ये क्लास। कब, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आप इन 4 दिन, इन 6 दिन मेरी क्लासेस होती है, उसमें आपका नेक्स्ट क्लास है वो थर्सडे है, मंडे ट्यूसडे हो गया है। सो दैट वुड बी ऑन मॉक टेस्ट एंड डाउट सेशन, दोनों ही है बायोटेक, सो इट्स अ 2-in-1 क्लास, दोनों ही आपको मिलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 इसका मॉक टेस्ट एंड डाउट सेशन दोनों ही होगा। कब होगा, ये थर्सडे का टाइम टेबल है, 3 सितंबर 4:30 PM को। नाउ मेरे क्लासेस में आने के लिए आप सबको पता है कि प्लस भी मेरी शुरू होने वाली है, अभी प्लस कोर्सेज शुरू हो रही है, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अनकेडमी और लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने डिवाइस में, देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो कि बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है, राइट। और स्पेशल क्लास तो है ये, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ले ही रही हूँ, इसमें भी आप बिल्कुल आ सकते हो। आप एक बार आइए, इसमें देखिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का कैसा होता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या है वो प्लेटफॉर्म में, एवरीथिंग यू विल गेट अ फील ऑफ इट एंड देन यू कैन डिसाइड टू टेक अ सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन का आपको अनलिमिटेड एक्सेस है, तो यू कैन डेफिनेटली टेक दैट। सो यू क्लिक ऑन प्लस, देन यू क्लिक ऑन नीट यूजी एंड यू गेट द सब्सक्रिप्शन। बिफोर यू गेट द सब्सक्रिप्शन यू विल गेट सर्टेन ऑप्शंस, लाइक यू कैन गेट वन, टेक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान और यू कैन टेक 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान। 1 ईयर के लिए आपको 2500 पर मंथ देना है, अगर टारगेट 2021 है आपका, यू जस्ट हैव टू पे 27,000 फॉर द एंटायर ईयर, ओके। और 2022 में आप अगर अपीयर कर रहे हो तो आप यू कैन टेक दिस 24 मंथ्स, राइट ओके। सो 24 मंथ्स का ऑप्शन आप ले सकते हो, दैट वुड बी 1500 पर मंथ। तो अगर आप 2 सालों तक 1500 दे रहे हो पर मंथ, दैट वुड बी अराउंड
32,400, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू अप्लाई दिस एज अ कोड. दिस इज योर कोड टू अवेल द डिस्काउंट. व्हाट इज द कोड? माय नेम, दैट इज SWAGATA. स्वागता. प्लीज अप्लाई दिस कोड टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट प्लस सब्सक्रिप्शन. राइट, सो इसका भी आपको PDF मिल जाएगा लिंक. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस रेफरल कोड टू अवेल योर 10% डिस्काउंट. राइट, अब आपका नेक्स्ट क्लास कब है? टुमारो आपकी नेक्स्ट क्लास का मैं टाइम टेबल आपको बता देती हूँ. टुमारो आपका 9 AM का क्लास है. राइट, यहाँ पे नीट बॉय चैनल पे ही है. दैट इज योर गेट सेट को सीरीज. राइट, सो गाइज टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, गुड नाइट, एंड आई सी यू टुमारो एट मॉर्निंग 9 AM.